नमस्कार साथियों, आज अर्थिंग का जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थिंग का महत्व और मानव सुरक्षा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमन सेफ्टी और अर्थिंग के रिगार्डिंग हम इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है अर्थिंग के जो भी रूल्स हैं, नियम जो हमने देखे हैं, BIS, और जिनको IS नियम भी बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, इंडियन स्टैंडर्ड, ये इसके रूल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका पैटर्न होता है। अब जो है इसमें ये अर्थिंग के नियम हैं, ये जो अलग अलग के जैसे मशीन के लिए कुछ अलग नियम हैं, वायरिंग के लिए कुछ अलग नियम हैं, और ऐसे ही एक जो है अर्थिंग के जो सामान्य नियम हैं यानी कि लाइनों के लिए अलग नियम हैं, और जो यही जो नियम है इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये सुरक्षा। तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। जैसे मशीन की सुरक्षा भी देखी जाती है, वायरिंग की सुरक्षा भी देखी जाती है, और लाइनों की भी सुरक्षा, इस तरह से अलग अलग जो भी हमारे उपकरण हैं तो उपकरणों की भी अर्थिंग की जाती है। तो उपकरण सुरक्षा भी इसमें प्रमुख है। ऐसे के साथ साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होती है मानव सुरक्षा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है मानव सुरक्षा, क्योंकि इन सब को जो है ऑपरेट करने वाला एक जो है ह्यूमन जो ऑपरेटर जो भी होते हैं वो यहाँ पे, तो यहाँ हम इनको ऑपरेट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक फैक्टर यही है, निकल के आता है कि मशीन जो हो, चाहे वायरिंग हो, चाहे लाइन हो, चाहे उपकरण हो, सब में जो है अर्थिंग का प्रोविज़न होना ज़रूरी है। तो मानव सुरक्षा के लिए हम देखते हैं कि जो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विद्युत जो धारा है उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, यानी कौन कौन से इसके प्रभाव होते हैं। तो विद्युत धारा के जो प्रभाव होते हैं वो आपको पता है कि जैसे ये चुंबकीय प्रभाव होता है और ऊष्मीय होता है, और इसके अलावा होता है रासायनिक होता है, और भी काफ़ी सारे प्रभाव होते हैं, प्रकाश प्रभाव भी होता है यूँ। तो ये सब प्रभाव हैं, इन्हीं में से जो है यानी कि अर्थिंग का जो है हर एक जगह इसका कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो जो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब विद्युत के बारे में आपको पता ही है, इसकी प्रकृति, तो प्रकृति होती है एक AC और दूसरी होती है DC। तो इसी के अकॉर्डिंग है जो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक पैरामीटर्स हैं इनको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले विद्युत की जो प्रकृति होती है वो AC हो और एक हो DC। तो दोनों जो प्रकृति होती हैं इनमें एक खास बात होती है कि इनमें एक रिलेशन होता है वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का, इस तरह से जिसको हम ओम का नियम कहते हैं। अब होता क्या है इसमें कि यहाँ से अगर AC का जो है कौन सा सिस्टम है, एक सिंगल फेज होता है, एक थ्री फेज होता है। DC में भी यही होता है कि जैसे ज़्यादातर हम टू वायर मेथड काम में लेते हैं। और यहाँ जो इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग है वो ये है कि अगर मान के चलिए थ्री फेज थ्री वायर होता है, थ्री फेज का सिस्टम है, थ्री फेज फोर वायर है, AC की बात है, और इसके अलावा सिंगल फेज टू वायर है या सिंगल फेज थ्री वायर है, इस तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं। तो इन सबको हम देखेंगे यहाँ से एक जनरली कि अर्थिंग के टर्म्स सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ ज़रूरी है। तो यहाँ जो है DC में जैसे टू वायर ही है तो यहाँ पे अर्थिंग नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो है जैसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रैक्शन जो होता है, तो ट्रैक्शन में क्या होता है, टू वायर ही होता है और टू वायर में से एक को अर्थ किया जाता है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल अर्थिंग। न्यूट्रल जो होता है एज ए न्यूट्रल वो अर्थ का अर्थ किया होता है। तो ऐसा AC में कहाँ होता है, थ्री फेज फोर वायर में जो है अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो है कोई सा भी सिस्टम हो इसमें सबके अर्थिंग की रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो अर्थिंग है वो सेपरेट की जाती है, यहाँ जो अर्थ है वो अलग से की जाती है, तो अलग से जो है इसको अर्थ किया जाता है। तो ये आपको देखना है। अब इसमें हम देखते हैं कि वोल्टेज चाहे कितना भी हो, चाहे वो सिंगल फेज हो, चाहे वो थ्री फेज हो, और तो सबसे रेस्पेक्ट में यही है कि करंट भी उसके साथ साथ चेंज होती रहती है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फिक्स होता है आर, तो प्रतिरोध जो होता है ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये चेंज नहीं होता है, चाहे वो उपकरण हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे हम ह्यूमन बॉडी हैं, हमारा थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम देखते हैं आगे कि हमें जब जो है AC के कांटेक्ट में अगर हम कभी आ जाएं या DC के कांटेक्ट में आ जाएं, तब
तब हमें रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जब भी वोल्टेज अप्लाई जो होता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी जो ऑब्जेक्ट होता है या इक्विपमेंट उपकरण, या हम जैसे मानव की बात करें तो मानव सुरक्षा के बारे में ये है। मानव सुरक्षा यानी कि अर्थिंग के रिगार्डिंग है पॉइंट। तो यहाँ से हम देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एक फिक्स हो जाता है हमारा, जिसके अकॉर्डिंग जो भी वोल्टेज यहाँ अप्लाई होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे करंट यहाँ फ्लो होती है। इसमें होता क्या है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा वोल्टेज, हमें किस कॉन्टैक्ट किस कितनी रेटिंग के वोल्टेज के संपर्क में है। एसी में है तो सिंगल फेज या फिर थ्री फेज, और डीसी में है तो सिंगल फेज होता ही है, आपको इतना पता ही है। अभी ये क्या है कि इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ये इस पैरामीटर को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिस्टम का जो वोल्टेज है उसका जो या तो एसी होगा या फिर डीसी होगा। अब दूसरी बात आती है रेजिस्टेंस की, क्योंकि करंट वोल्टेज अप्लाई करने के बाद में फ्लो होगी, तो वो कॉन्सेप्ट इसका बाद गया है, वो कितनी फ्लो होगी वो इसके रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि आई बराबर वी अपॉन आर। तो वोल्टेज जो भी अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग और रेजिस्टेंस जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करंट फ्लो होगी। तो करंट अमाउंट ऑफ करंट ये डिपेंड करता है हमारे रेजिस्टेंस पे, और ये जो अमाउंट ऑफ करंट है ये मानव के शरीर में ये इन कैटेगरी ऑफ मिली एम्पियर, यानी कि एम्पियर से बहुत कम रेंज की होती है। और जब मानव शरीर के प्रतिरोध की बात करें तो हमारे प्रतिरोध तीन कैटेगरीज में होता है, जैसे गीला शरीर होता है, तो एक सामान्य शरीर जिसको सूखा बोलते हैं, और ये इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, सामान्य की अवस्था में हमारा रेजिस्टेंस जो है 1000 ओम से कम नहीं होना चाहिए, और जब गीला हो जाता है तो ये इससे कम हो जाता है। और ये जो है गीला शरीर में ज़्यादा चांस होते हैं हमारे झटके लगने के, और सूखा शरीर जब होता है जब 1000 ओम इसका रेजिस्टेंस होता है तो कुछ हद तक ये मिली एम्पीयर की करंट जो है हमारे शरीर से फ्लो हो जाती है। वो कैसे होती है इसको थोड़ा यहीं से हम देखते हैं कि हम कांटेक्ट में कैसे आते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपके कोई भी इक्विपमेंट की ये लाइन है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ जिस भी उपकरण पर हम काम कर रहे हैं, तो बाय द वे अगर हम इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं यहाँ से, जैसे मान के चलिए यहाँ से, तो ऑपरेटर जो है ये जो मानव है ये इस तरह से इसको कांटेक्ट में आ गया, तो ये होगा क्या इससे कि यहाँ से जैसे ही कांटेक्ट होगा तो ये जो करंट है ये इधर से पाथ बनाती हुई और सीधा यहाँ तक जाएगी, तो टॉप टू डाउन ये फ्लो होगी, यानी कि करंट का जो नेचर है वो होता है धारा, छोटा से छोटा रास्ता तय करती है, यानी कि छोटा रास्ता अपनाएगी, तो छोटा रास्ता जो है इसको हमारे शरीर के थ्रू मिलेगा, तो यहाँ जो हम कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं झटका। तो झटका ऐसे लगता है, अब जो भी लाइन है जैसे मान लीजिए डीसी की है तो डीसी पॉजिटिव नेगेटिव, एसी की है तो एसी की है तो एल, और एसी की है तो एल और एन। तो इस तरह से हम जब भी लाइव कांटेक्ट में आते हैं किसी भी फेज के, और या फिर जैसे किसी मशीन के उपकरण के बॉडी के, जब भी हम कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ से अगर वो अर्थिंग प्रॉपर नहीं है और उसमें जो है जो करंट फ्लो हो रही है बाहर से, तो वो हमें झटके का एहसास करवाती है। और ये झटका जो है किस कारण किस करंट से लगता है, ये जो करंट होती है झटका देने वाली करंट ये होती है लीकेज करंट, ये लीकेज करंट होती है। और लीकेज करंट का जो मान है, जो लीकेज करंट का जो मान है आई बराबर वी अपॉन आर, तो हम जो ऑब्जेक्ट जो उसके कांटेक्ट में आए हैं उसका रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अप्लाई वोल्टेज जो होता है और उन दोनों का जो मान है उसके अनुसार यहाँ पे लीकेज करंट प्रवाहित होती है, और यह होती है मिली एम्पियर रेंज की। तो मिली एम्पियर रेंज जो होती है ये कितनी कितनी होती है मानव शरीर के संबंध में, तो इसको हम देखते हैं आगे। किसी ऑब्जेक्ट के टच में आते हैं तो होता क्या है, यहाँ से जो है ये जो करंट जो फ्लो होती है, यहाँ से ये करंट जो फ्लो होती है तो ये जो है इस तरह से शॉर्ट रास्ता अपनाती है, तो ये ग्राउंड में जाने की कोशिश करती है। तो इससे क्या होता है कि जो जितना भी बड़ा सर्किट होगा इसका उपकरण का आगे, तो तय रास्ता जो होता है उससे कम रास्ता तय करती है। तो अब यहाँ पे जो हमारे शरीर का जो प्रतिरोध है वो लगभग 1000 ओम होता है सूखी अवस्था में, और जब गीली अवस्था होती है तो इससे कम हो जाता है, और इससे ज़्यादा हमारा प्रतिरोध होता नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, ये सामान्य अवस्था है। और ये वेट जब मॉइस्चर हो जाती है, नमी हो जाती है, हम कभी भीग जाते हैं तो उस अवस्था में
ये जो है प्रतिरोध का मान हमारा कम हो जाता है। तो गीली अवस्था में हमें झटके लगने का चांस ज़्यादा होते हैं, तो नमी युक्त वातावरण होता है तो उसमें जो है झटका ज़्यादा लग सकता है। और ये जो है ये सामान्य वातावरण है, इसमें हमारा लगभग लगभग प्रतिरोध 1000 ओम के आसपास रहता है। और दूसरी बात, ये सभी सभी के लिए कॉमन नहीं है, किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो उसके डिपेंड करता है ब्लड ग्रुप पे। तो ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हर एक व्यक्ति का में रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, और ये ब्लड ग्रुप और उसकी स्किन पे डिपेंड करता है। अब शरीर में जो है 20 करंट का वैल्यू है, जैसे 20 मिली एम्पियर जो होती है, और 40 मिली एम्पियर तक एक रेंज है। तो ये यहाँ तक जो है आदमी को जो है घातक झटका लगता है, और मतलब झटका लगता है इसमें एक ऐसा नहीं दर्द होता है, तो ये होता है इसमें जो है झटका लगता है, और यानी कि असहनीय दर्द होता है। तो ये जो है यानी कि मिली एम 20 से 40 तक, जैसे ही 40 से ऊपर करंट क्रॉस होती है और अप टू 100 एम्पियर जाती है मिली एम्पियर, देन आफ्टरऑल क्या होता है इसमें कि यहाँ से झटका तो लगता है लेकिन जो क्या है आदमी चिपक भी सकता है, और इसमें आदमी की डेथ हो जाती है। तो या तो छूट के दूर पड़ जाएगा या फिर चिपक जाएगा। तो ये इसकी अमाउंट पे डिपेंड करता है कि 40 से अबव कितनी है करंट। तो एटलीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यूज में 50 मिली एम्पियर तक की भी कई बार मान लेते हैं हम। तो आप याद रख सकते हैं इसको, 50 मिली एम्पियर से कम पे झटका लगेगा, और 50 मिली एम्पियर से ऊपर जो है यानी यहाँ पे डेथ हो जाएगी कि, और जो है यानी कि अगर आपको 100 मिली एम्पियर है तो 100 मिली एम्पियर से ऊपर जैसे ही होगा तो ये क्या होगा कि आदमी जो है जल जाएगा, इसमें बुरी तरह से ब्रस्ट हो जाते हैं। तो जलना जो होती है ये जो है इसमें आदमी जल सकता है। तो यहाँ से हमने तीनों रेंज देख ली है कि झटका लगने वाली और चिपकने वाले, यानी कि झटका लग के दूर हटने वाले, या जिसमें हम घायल जिसको बोलते हैं, तो आदमी यहाँ घायल भी हो सकता है चिपक कर। और तीसरी जो स्टेज होती है उसमें हम देखते हैं कि इतने मिली एम्पियर से जब करंट अबव हो जाती है तो क्या होता है, आदमी को जल जाता है और डेथ तो उसी जो है वो हो ही जाती है। तो जलना मरना और ये चिपकना, ये सब इसमें आपके लिए आपको इतना इम्पोर्टेंट ध्यान नहीं देना है। तो ये बेसिक सी रेंज है 20 मिली एम्पियर 40 मिली एम्पियर, ये याद रखनी है। तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध है, मानव शरीर प्रतिरोध ये कैसे बदलता है, ये देख लीजिए कि जो रेजिस्टेंस है वो एक नॉर्मल कंडीशन में 1000 ओम होता है, और गीली जो वेट कंडीशन होती है नमी युक्त उसमें जाता है 1000 1000 से यानी कि कम, तो ये 1000 से कम हो जाता है और सामान्य अवस्था में 1000 ओम रहता है। तो झटका लगने पर हमें क्या होता है, अगर हमारी अर्थिंग प्रॉपर है, तो जब अर्थिंग प्रॉपर है तो उस कंडीशन में हम जो है यानी कि सुरक्षित कैसे रह पाते हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, अर्थिंग जो सर्किट होता है उसमें सुरक्षा, तो यानी कि सुरक्षा कैसे होती है अर्थिंग अगर है कोई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी जो अर्थिंग अगर प्रॉपर है, जैसे यहाँ से इधर से मान लीजिए ये अर्थिंग है, और ये अर्थिंग जो है इस तरह से की हुई होती है यानी कि उपकरण की बॉडी के साथ, जब भी हम इसको कांटेक्ट में आते हैं तो होता क्या है कि यहाँ से ये देखे, ये जैसे हम इसको कांटेक्ट में आए, तो यहाँ से जैसे हम इसको कांटेक्ट में आएंगे तो धारा जो है इसमें, जब मान लीजिए यहाँ पे लीकेज करंट फ्लो हो रही है किसी भी कारण से, अगर सुरक्षित है तो लीकेज करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई फॉल्ट है, कोई दोष है परिपथ में, तो उसके कारण क्या है उपकरण की बॉडी के ऊपर जो है यहाँ लीकेज करंट फ्लो होती है, वो कैसे होती है उसको हम आगे समझेंगे। तो यहाँ से देखिए कि लीकेज करंट जब फ्लो होगी तो ये छोटा से छोटा रास्ता तय करती है। तो ये क्या है कि अर्थिंग वायर अगर प्रॉपर है, हम तो कभी कभार कॉन्टैक्ट में आते हैं, लेकिन अर्थिंग जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर है, तो ये ग्राउंड तक जो है अर्थिंग इसकी होती है इस तरह से होती है। तो ये अर्थ जो है ये प्रॉपर है यहाँ पे, तो इसके थ्रू नीचे ग्राउंड हो जाती है करंट। तो होता क्या है इसमें कि सबसे पहले जो है इसमें सुरक्षित उपकरण भी रहते हैं कई बार, जैसे यहाँ पे सुरक्षा डिवाइस लगाते हैं हम, तो यहाँ जो सुरक्षा उपकरण जो होते हैं जैसे MCB होते हैं, ELC भी होते हैं, और ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर,
तो सबसे पहले एम सी बी ट्रिप होती है, और अगर एम सी बी ट्रिप नहीं होती आई एल सी बी ट्रिप होती है अर्थवॉट के केस में। अर्थवॉट के केस में ई एल सी बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो होता है आर सी सी बी, ये भी एक तरह का सुरक्षा उपकरण है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। और कई जगह जैसे जो है जी एस एस वगैरह होते हैं वहाँ पे मैश अर्थिंग होती है, या ग्रिड अर्थिंग बोलते हैं उसको, तो ग्रिड मैश अर्थिंग होती है। और कई इन सब डिवाइसेस से ऊपर एक सबसे इम्पोर्टेंट यह है, ये आजकल ये डिवाइस भी लगाते हैं, जी एफ सी आई, जी एफ सी आई। इनका फुल फॉर्म मैं अभी बता देता हूँ आगे, तो फुल फॉर्म होता है एम सी बी, ये एक सुरक्षा डिवाइस है। ये इसका नाम होता है मिनिएचर, ये इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दूसरा होता है ई एल सी बी, ई एल सी बी तो इसका होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ देख लीजिए एम सी बी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, लघु परिपथ वियोजक, और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ई एल सी बी। तो ये होता है अर्थ यानी कि भू परिपथ लीकेज यानी दोष, और सर्किट ब्रेकर आर सी सी बी होती है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, और इसको बोलते हैं घरेलू धारा परिपथ वियोजक। और लास्ट है आपका ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, जी एफ सी आई। तो ये भी एक लेटेस्ट डिवाइस है जो आजकल प्राइवेट सेक्टर में खूब काम में ली जा रही है। इसके अलावा आपको जो है कंपटीशन लेवल में आपको कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पी एम ई एन, तो इसका मतलब होता है जैसे हम आर वाई बी एन जानते हैं, आर वाई बी एन ये हमारा पेज कोड होता है यानी कि कलर कोड। इसके अलावा जैसे इसका क्या होता है, ये अर्थिंग से संबंधित है, तो परमानेंट परमानेंट मैग मल्टीपल मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल, ये होता है इसका फुल फॉर्म, परमानेंट मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल। जहाँ पे अर्थ और न्यूट्रल एक साथ काम में आते हैं तो उस जगह को जो है उस सिस्टम को हम पी एम ई एन करके आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, पी एम ई एन का फुल फॉर्म। कलर कोड आपको याद ही है आर वाई बी एन करके, और अर्थ का कलर कोड होता है, ये तीनों फेज के कलर कोड हैं, आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो, बी फॉर ब्लू और एन फॉर ब्लैक। और ई का जो है अर्थिंग का जो कलर होता है वो हरा कलर होता है। अब अर्थिंग के कौन कौन से कंडक्टर काम में लेते हैं, जैसे एक तो कॉपर कंडक्टर्स की भी हम अर्थिंग करते हैं, दूसरा करते हैं हम गैलोनाइज स्टील से, तो जी आई जिसको बोलते हैं यानी कि गैलोनाइज स्टील, तो इसकी भी हम अर्थिंग करते हैं यानी कि ये अर्थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो अर्थिंग के लिए जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे मशीन की वायरिंग के और उपकरणों के, तो उनके साथ साथ हम टॉपिक में ऐड करते चलेंगे कि इनके क्या क्या नियम हैं। तो पर्टिकुलर अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं अर्थिंग की विधियों के बारे में। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ, जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थिंग की विधियों के बारे में। तो देखेंगे कि अर्थिंग का जो है कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, जैसे पाइप अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग है, रॉड अर्थिंग है, नलकूप की अर्थिंग है, और इसके अलावा जैसे जो है अर्थिंग के प्रतिरोध जो होता है वो किन किन कारणों से प्रभावित होता है, तो ये सब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।